सुपर सॉफ्ट इडली की आसान रेसिपी देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का किरण्स कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट से सॉफ्ट इडली बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 कप चावल और 2 कप उड़द दाल को पानी से अच्छे से धो लिया है और इसके लेवल से ऊपर तक पानी डालकर 5 से 6 घंटे भीगने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 घंटे में चावल और दाल अच्छे से फूल जाएंगे, तब दोनों को एक ही बर्तन में एक साथ मिलाकर रख लेंगे। इसके बाद हमें चावल और दाल का स्मूथ पेस्ट तैयार करना है, जिसके लिए चावल और दाल के मिक्सचर को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। चावल और दाल को पीस लिया है, अब इस बैटर को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब बैटर को चम्मच या हाथों से 5 से 10 मिनट के लिए फेंट लेंगे। फेंटते समय ध्यान रखेंगे कि हमें चम्मच एक ही डायरेक्शन में चलाना है। इडली का बैटर फर्मेंटेशन के लिए रेडी है। गर्मियों में 5 से 6 घंटे में इडली का बैटर फर्मेंट हो जाता है और सर्दियों के मौसम में फर्मेंटेशन के लिए 10 से 12 घंटे बर्तन को ढककर गर्म जगह पर रखेंगे। फर्मेंट होने के बाद देखेंगे कि इडली के बैटर का लेवल पहले की अपेक्षा बर्तन में ऊपर तक आ गया है और बैटर में बहुत सारे एयर पॉकेट्स भी बन गए हैं। इसका मतलब हमारा बैटर इडली बनाने के लिए परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालकर हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय ध्यान रखेंगे कि चम्मच एक ही डायरेक्शन पर चलाएं, जिससे एयर पॉकेट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा और इडली सॉफ्ट बनेगी। अब बैटर इडली बनाने के लिए तैयार है। सबसे पहले इडली बनाने वाले बर्तन में पानी डालकर भाप तैयार कर लेंगे। तब तक इडली के मोल्ड में थोड़ा थोड़ा तेल डालकर फैला लेंगे और साथ ही मोल्ड में बैटर डालकर रख लेंगे। भाप भी बनकर तैयार है, अब इडली के बर्तन में सारे मोल्ड को एक एक कर रख लेंगे और ढक्कन लगाकर लगभग 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट में इडली भाप में अच्छे से पक जाता है, जिसे नुकीले चाकू या टूथपिक की हेल्प से चेक कर लेंगे। अगर इडली अंदर से कच्चा होगा तो चाकू की सरफेस से चिपक जाएगा। पंद्रह से 20 मिनट के बाद जब इडली मेकर ठंडा हो जाए तब सभी इडली को एक एक कर निकाल लेंगे। गर्मा गर्म सुपर सॉफ्ट इडली बनकर तैयार है, जिसे नारियल चटनी और सांबर के साथ सर्व कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।